2019 का वो धरना प्रदर्शन आपको याद ही होगा, जब केंद्र सरकार की तरफ से सिटीजनशिप अबेटमेंट एक्ट यानी कि सीएए कानून लाया गया था, लेकिन इस कानून के आते ही देश में तमाम जगहों पर भारी प्रदर्शन देखने को मिले थे। प्रदर्शन इस हद तक चले गए जिसमें कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और दंगे जैसी घटनाएं भी देखने को मिली। लेकिन अब इस मामले पर यूपी में पहला फैसला आ गया है और इस फैसले को सुनकर प्रदर्शन करने वाले लोगों की अब मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जी हां, दरअसल सीए प्रदर्शन के दौरान अमरोहा के 86 लोगों को न्यायाधिकारी मेरठ द्वारा दोषी करार दिया गया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में जो कुछ सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, उसके लिए अदालत ने इन लोगों से कुल 4,27,439 रुपए वसूलने के आदेश दे दिए हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति से अब 4,971 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि 20 दिसंबर 2019 को सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में लोगों ने सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद इस पूरे मामले पर 21 दिसंबर 2019 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। बता दें कि राज्य सरकार बनाम मोहम्मद जावेद के मुकदमे में 86 आरोपियों को दोषी पाया गया है। 2020 में एक दावा प्राधिकरण गठन किया गया था योगी सरकार द्वारा जी, और उसमें जो निजी संपत्ति को तोड़फोड़ होती है और सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ होती है, उसकी धनराशि वसूलने के लिए ये दावा प्राधिकरण गठन किया गया है जी। वर्तमान में जो मुझे जानकारी है, उसमें मेरठ, प्रयागराज और शायद लखनऊ, ये 3 जगह गठन किया गया था। और यहाँ पर जो गठन किया गया उसका मेरठ मंडल, बरेली, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर, ये क्षेत्राधिकार है इसका जी, और अलीगढ़ भी इसमें शामिल है। ये निर्णय जो आया है ये कहाँ के लिए आया है और क्या इसमें वसूला जाएगा, किस तरीके से इनसे वसूली की? जो भू राजस्व की वसूली का तरीका है उस तरीके से वसूल किया जाएगा, और संबंधित जिलाधिकारी वहाँ पे आदेश की कापी भेजी गई इसकी, वो वसूली करेंगे। कौन से जिले का सर मामला है ये? आपका अमरोहा का है, जो डीएम साहब को, डीएम अमरोहा को गई होगी और वहाँ से वो वसूल करेंगे जी, या आदेश के प्रति वहाँ जाएगी, वो वसूली कार्रवाई करेंगे। सर क्या हुआ था, मतलब क्या घटना कब हुई थी और क्या क्या उसमें हुआ था? ये 20/12/2019 को हुई थी जनपद अमरोहा में, जो सीए कानून पास किया गया था उसके विरोध में प्रदर्शन लोगों ने किया था। प्रदर्शन के दौरान भी तोड़फोड़ किया था, पुलिस साथ पथराव वगैरह किया गया था। उसमें पुलिस की जो दंगा नियंत्रण के उपकरण होते हैं उन सबों को नुकसान पहुंचाया गया था, उसी की वसूली का दावा था। लेकिन साथ ही आपको एक बात और भी जाननी जरूरी है कि सीए कानून के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट और तोड़फोड़ पर यूपी सरकार का एक्शन उस समय काफी सख्त और चर्चाओं में रहा था। लोगों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की इस कार्रवाई को लेकर आदेश जारी कर दिए थे। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था कि आपने जो प्रदर्शनकारियों से पैसे रिकवर किए हैं उसको आप लौटाइए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कार्रवाई करने में खुद एक शिकायतकर्ता, निर्णायककर्ता और अभियोजन की तरह काम किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकारी मेरठ का फैसला क्या कुछ असर दिखाता है और साथ ही क्या इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी जाती है, ये अब देखने वाली बात होगी। तो ये जानकारी भेजी थी हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक जी ने। तब तक यूपी से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।